पमात मनुंजन्ति बाला दुमेधिनो जना अपमादंच मेधावी धनम सेठम व रखति। पमात मनुंजन्ति बाला, बाला बाल मूर्ख दुमेधिनो दुर्मेधस खराब बुद्धि वाला, मेधा दुर्मेधस खराब बुद्धि वाला जना लोग प्रमाद मनुंजन्ति प्रमाद का अनुसरण करते हैं, प्रमाद में लगते हैं, परंतु मेधावी बुद्धिमान व्यक्ति धनम सेठम व धनम श्रेष्ठम इव श्रेष्ठ धन के समान अपमादंच अप्रमाद की रक्षति रक्षा करते हैं। अंतर है, तथागत बुद्ध बताते हैं, मूर्ख और दुर्बुद्धि मनुष्य प्रमाद में लगते हैं, परंतु प्रज्ञावान मनुष्य श्रेष्ठ संपत्ति की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। प्रमाद क्या है? कर्तव्य कर्म न करना और अकर्तव्य करना। न करने योग्य है वह करना और जो करने योग्य है उसे नहीं करना, यही तो असावधानी है, यही भूल चूक है, गलतफहमी है, लापरवाही। क्यों है? उन्माद है, मद है, एक नशा है। अप्रमाद क्या है? उल्टा है उससे, न करने योग्य को न करना, करने योग्य को करना, सावधानी का परिणाम है। ऐसे लोग नम्र रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और इसकी आवश्यकता जीवन के पल पल है। ऐसा नहीं है कि कोई साधना पथ में बढ़ रहा हो उनके लिए जरूरी है, किसी भी क्षेत्र में कोई प्रगति करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो उसके लिए अप्रमादी होना है, सावधान रहना है, नम्र रहना है, जागरूक रहना है, प्रमाद का त्याग करना है, अप्रमाद में अनुराग। यहाँ आध्यात्मिक उपदेश है, इसका भाव यही है, छूटने वाली वस्तुओं से मोह करना, मन को विषयों में रमाना, इंद्रियों को भोगों में उत्तेजित करना, मनुष्यों से राग द्वेष करना, प्राणियों को पीड़ा देना, संसार की परिवर्तनशीलता को न देखना, यह सब क्या है? प्रमाद के ही लक्षण हैं। पता है कि शरीर कुछ दिन में छूटने वाला है, संबंध सब छूटने वाले हैं, लेकिन इस पर ध्यान न देना, यही तो दुर्बुद्धि का लक्षण है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो बिल्कुल सावधान होता है, प्रमाद युक्त बातों से वो दूर रहता है, संसार की परिवर्तनशीलता को समझता है, क्षणभंगुरता को समझता है, इसलिए कुछ अपना नहीं मानता है। हाँ, शरीर रक्षा के लिए जो आवश्यक निर्वाह करना होता है वो करते हैं, मन इंद्रियों का संयमी होता है, इसलिए अप्रमाद की रक्षा, जागरूकता की रक्षा, सावधानी की रक्षा किस प्रकार करते हैं? श्रेष्ठ धन की तरह। धन का महत्व बहुत है और उसकी रक्षा बहुत करते हैं। जिस प्रकार धन की रक्षा करते हैं लोग, ऐसे ही जागरूक पुरुष
निर्मोहता की रक्षा करते हैं, सावधानी की रक्षा करते हैं। इसे जीवन पर्यंत सुरक्षित रखना है। जैसे धन को, धन की रक्षा कब तक करें? सब समय करें। ऐसे ही कब तक जागरूक रहें? सब समय रहें। गुरुदेव जी ये पंक्ति कहा करते थे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अवसर नहीं है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है कि जब लग है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रु मने विनय करो यही स्वार्थ हित। मन इंद्रियां साथ हैं, विषयों का पसारा चारों तरफ है, संबंध होते ही हैं। ऐसी स्थिति में भूल चूक होने की संभावना बनी रहती है, और भूल चूक कब होगी? असावधानी से। इसलिए सावधानी की आवश्यकता सर्वत्र है और सब समय है, इसलिए उसकी रक्षा करनी ही है। मा पमाद मनुन युंजेत मा काम रति संधवम अपमत्तो ही जायंतो पप्पोति विप्लम सुखम। मा मत, नकारात्मक है मत। प्रमाद मनुयुंजेत, अनुयुंजेत, प्रमाद में मत जोड़ो। प्रमाद में अपने को प्रमाद में मत जोड़ो। माँ कामरथी संधवम, कामरति संधवम, कामरति संस्तवम, कामरति में लिप्त मत हो। मत, ये सब नकार रहे हैं कि प्रमाद में मत जोड़ो, मत कामरति में लिप्त हो। अपमाद ही जायंतो, अपमाद ही जायंतो, प्रमाद रहित रह कर ध्यान करने वाला। पापोति, पप्पोति, पाता है विप्लम सुखम, बहुत सुख। बहुत सुख यहां पर है शाश्वत सुख। कौन पाएगा? जो प्रमाद को छोड़कर ध्यान करता है। ध्यान की भी पूर्णता तभी संभव है जब सावधानी रखेंगे। ध्यान की साधना के समय तो और ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। अन्य कामों में तो हम सावधान हो भी जाते हैं, जैसे परस्पर की बातचीत करते समय सावधान रहते हैं ऐसे शब्द न निकले जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, कटु न हो, अश्लील न हो, इसका पूरा ध्यान रख लेते हैं। कार्य करते समय भी ध्यान रखते हैं किसी को पीड़ा न हो, किसी का नुकसान न हो, ये ध्यान रख लेते हैं। लेकिन मन के स्तर पर सावधान होना और कठिन है, क्योंकि उसकी चंचलता, उसकी अस्थिरता बहुत है। मन को फिसलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और ध्यान में उसी की साधना की जाती है। ना वहाँ शब्दों की साधना है, ना वहाँ कर्मों की साधना है, वहाँ तो मानसिक साधना है। ध्यान क्या है? मन की साधना। और यह मन की ही साधना जीवन की साधना है। इसलिए यदि वहां सध गया, उस समय साध लिया गया, फिर आपको न वाणी को साधना है और नहीं इंद्रियों को साधना है, वो हो ही जाएगा। इसलिए ध्यान के लिए और जागरूक होने की जरूरत है। यदि हम चाहते हैं ध्यान में पूर्णता मिले, ध्यान में सफलता मिले, ध्यान की गहराई में उतरूं, ध्यान में जीवन हो, तो क्या होगा? प्रमाद का त्याग करना पड़ेगा। जो मनुष्य असावधान होता है वह अपने को कामरति में जोड़ता है। मैथुन कामरति है। गुरुदेव जी लिखते हैं, परंतु गुरुवाई और महंती करने की अभिलाषा होना भी कामरति है। ये बात गुरुदेव जी जब ये प्रसंग आता है तो हर बार कहते हैं। केवल स्थूल काम क्रिया, स्थूल काम धाम, इतने को ही भूलने और भटकने का माध्यम नहीं मानते हैं गुरु।
क्या कहते हैं, वो तो है ही, स्थूल है, सबको दिखाई देता है, लेकिन जो सूक्ष्म है वह नहीं दिखाई देता है। साधु का कपड़ा पहन लिए, अब हमारे मन में ये हो कि हमारी लोग पूजा करें, सम्मान करें, बड़ा माने, हमें गुरु माने, श्रेष्ठ माने, ये चीज़ कोई दिखाई थोड़ी देती है, कोई कहेगा भी नहीं, लेकिन अंदर में वो अंकुर बना रहता है। सदगुरु कहते हैं यह भी काम रति है, यह भी एक आकर्षण है। गुरुदेव जी लिखते हैं कि आजकल कितने साधु वेशधारी राजनीतिक पदों को पाने की घुड़दौड़ में निकल पड़े हैं। उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सादा जीवन निर्वाह के अलावा विषयों की जितनी चाहनाएं हैं सब काम रति है। ये अद्भुत है, क्या लिखते हैं, सादा जीवन निर्वाह के अलावा विषयों की जितनी चाहनाएं हैं सब काम रति है। काम रति रखने वाला मनुष्य अल्प सुख पाता है और उसके परिणाम में बहुत दुख। सदगुरु कबीर ने कहा ना, अल्प सुख दुख आदिव अंता। शुरू में तो सुख लगेगा लेकिन परिणाम क्या होगा, दुख। विपुल सुख की बात यहां पर कही गई, विपुल सुख पाने, बहुत सुख, अनंत सुख तो तब मिलेगा जब मनुष्य प्रमाद छोड़ करके ध्यान करेगा। विषयों की तरफ उन्मुख होना प्रमाद में पड़कर कामरत होना है, और विषयों से विमुख होकर बाहर से लौटकर अंतर्मुख होना प्रमाद रहित होकर ध्यान में लगना है। जिसको सारे विषय रसहीन हो गए, रसहीन नहीं विश्वत लगने लगे, अतएव उनसे पूर्ण विरक्त होकर अपने आप में लीन है, वही प्रमाद रहित है, वही ध्यानी है, और वह अनंत निर्भय सुख का सागर है। पमादम अपमादेने यदा नुदति पंडितो पैया पादा पैया पासाद मारुई अशोको शोकिनम पजम पब्बतट्ठो व भूमट्ठे धीरो बाले अवेक्षति। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। पमादम प्रमाद को अपमादेन अप्रमाद से यदा जब नुदति दूर खदेड़ देता है। तरीका क्या बता रहे हैं, अप्रमाद और प्रमाद, प्रमाद कैसे जाएगा, साधक जब अप्रमाद की साधना करेगा और उसे दूर खदेड़ देता है, जब विवेकवान अप्रमाद से प्रमाद को दूर खदेड़ देता है। पमादम अपमादेन यदा नुदति पंडितो, विवेकवान पंडितो विवेकवान, धीरो शांतात्मा पुरुष अशोको शोक रहित होकर पैया पासाद मा रुई प्रज्ञा प्रासादम आरुह्य, प्रज्ञा के भवन पर स्थित होकर, प्रज्ञा के भवन पर स्थित होकर प्रज्ञावान होने की बात कही गई है। बाले शोकिनम पजम, मोड़ शोकित प्रजा को वैसे देखता है जैसे पब्ब तट्ठो व पर्वत पर स्थित हुए के समान, भूमट्ठे भूमि पर स्थित वस्तुओं को अवेक्षति देखता है। जब विवेकवान अप्रमाद से प्रमाद को दूर खदेड़ देता है तब वह धीर पुरुष शोक रहित होकर और प्रज्ञा के प्रासाद पर चढ़कर, भवन प्रसाद भवन, उच्च शिखर पर चढ़कर विमोहित शोकाकुल प्रजा को वैसे देखता है जैसे पर्वत पर स्थित मनुष्य पृथ्वी के धरातल की वस्तुओं को देखता है। जिसने अपने ज्ञान वैराग्य की जागरूकता के जोर से प्रमाद को असावधानी को दूर कर दिया वह शोक रहित हो गया। देखिए जो शोक रहित आज हुआ है वह पहले शोक का अनुभव कर चुका है, वो दोनों का अनुभव करता है, लेकिन जो आज शोक का अनुभव कर रहा है ना उन्हें शोक रहित का अनुभव है और शोक का भी अनुभव नहीं है। आप कहेंगे शोक का अनुभव कर रहा है,
शोक का जिस दिन सचमुच अनुभव हो जाएगा उससे छूट भी जाएगा। वह जो दुख का आधार है वह भी उसको सुख का ही आधार लग रहा है, तभी तो उससे अलग नहीं कर पा रहे। इसलिए वो दोनों विवेकवान, दोनों स्थित को, लेकिन जब वो पूर्ण विवेकवान हो गए और उस स्थित में पहुंच गए और उस साधना के माध्यम से पूरी सावधानी और जागरूकता से पूरी तरह असावधानी और लापरवाही को त्याग दिया है, इस प्रकार जो धीरवान और शोक रहित हो गया है, उनकी स्थिति क्या है? प्रज्ञा के प्रसाद पर स्थित है। हर समय प्रज्ञा के, हर समय ज्ञानवान बना रहता है। जैसे सदगुरु श्री कांसी साहब जी ने कहा, रवि के पास कभी दम नाही, स्वयं प्रकाशी सदा रहाई। सूर्य के पास कभी अंधकार नहीं होता है। ऐसे ही जो विवेक से अपने आप को पूरी तरह जागरूक बना लिया है, उनके मन में किसी प्रकार अंधियारी नहीं होती है, विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं उलझन, ये कुछ नहीं है। मतलब हर समय जागरूक, वो क्या है? प्रज्ञा के भवन में ही स्थित है। फिर लोगों को देखता है, लोगों के दुखों को देखता है, पीड़ा को देखता है। अब उनको क्या होता है कि ये दुखों से तो पीड़ित है, लेकिन उन दुखों से पीड़ित है जिससे पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा, जाड़न मरे सफेदी सौरी। बाजू में एक सुंदर सी रजाई रखी है, ब्लैंकेट है, और ठंडी से कोई सिकुड़ रहा हो, अब क्या हो? अब कहा जाए क्यों ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है? अरे भाई, बाजू में रजाई है, ओढ़ लो। इसी प्रकार विवेकवान पुरुष क्या देख रहा है? वो ये देखते हैं कि अब दुख निवृत्ति की पूरी क्षमता इनमें है, अब पूरे संसाधन हैं, उसके बावजूद दुखी बना हुआ है। ये दुखी को देखना है, और शायद इसीलिए वह करुणा जगती है, इसीलिए वे उनको उस रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। यहां पर तो वो बात नहीं है कि करुणा वाली बात, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात क्या है, जैसे पर्वत के ऊपर से कोई नीचे जमीन धरातल के लोगों को देखता है, बहुत छोटे छोटे, जब कोई हवाई जहाज की यात्रा में ऊपर जाता है तो नीचे पेड़ पौधे, घर, मकान और ये सब देखे, बहुत छोटा दिखने में, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर कोई उठेगा धरातल की चीजें छोटी दिखती जाएंगी। ऐसे ही जो निर्मोही पुरुष है, शोक मुक्त हो गया है, वह सदैव प्रज्ञा के प्रसाद पर, ज्ञान के उच्च भवन पर विराजता है। जैसे पर्वत का मनुष्य जमीन के मनुष्यों को देखता है तो उसे बहुत छोटे लगते हैं, वैसे ज्ञान की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ शोकहीन ज्ञानी पुरुष मोह मूढ़ शोकित प्रजा को देखता है और उस पर दया लगती है। गुरुदेव जी यहाँ पर व्यास भाष्य जो योग दर्शन का है, और वहाँ उन्होंने जो एक श्लोक उद्धृत किया है, गुरुदेव जी यहाँ सेम है, दोनों का भाव एक ही है, यहाँ उद्धृत करते हैं। प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य असोच्य सोचतो जनान, भूमिष्ठानिव शैलेस्ता सर्वा सर्वा सर्वान प्राज्ञो अनुपश्यति। ये बात वही है, सहज अर्थ है कि जब विवेकवान अप्रमाद से प्रमाद को दूर खदेड़ देता है, तरीका बता रहे हैं, जितनी हम सावधानी की साधना, जागरूकता की साधना करते चले जाएंगे, उतनी ही असावधानी कम होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। उसके लिए कोई अलग से साधना नहीं करने की, कैसे भगाएं? ये तरीका क्या बता रहे हैं? अप्रमाद से प्रमाद को दूर खदेड़ देता है। बहुत धैर्य की जरूरत है, और इसीलिए यहां पर क्या कहते हैं? धीर पुरुष, धीरो, शोक रहित, शोकिनम, शोक रहित होकर प्रजा के, प्रज्ञा के प्रसाद पर चढ़कर विमोहित शोकाकुल प्रजा को वैसे देखता है जैसे पर्वत पर स्थित मनुष्य
पृथ्वी के धरातल की वस्तुओं को देखता है। इसलिए हम सबको भी अप्रमादी होना है, जागरूक होना है और जीवन में विपुल सुख को पाना है। शायद बंदगी।